चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अड़ेगा बैसुक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते। और अभी हम लोग पहले बता शुरुआत करने के पहले, क्या आप फंक्शन टॉपिक्स को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं? क्या आप प्रीवियस वीडियो को देख लिए या नहीं देखे? देखो, फंक्शन वो टॉपिक है जो आपके मैथ के समझ को एनालाइज करता है, जिससे कि कैलकुलस का सवाल बनाया जा सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव कैलकुलस को बनाना चाहते हैं तो आपको फंक्शन के टॉपिक को न केवल क्वेश्चन बनाने का जरूरत है, बल्कि समझ के साथ ग्रिप में करने का जरूरत है, और समझा जा सकता है, अच्छा तरीके से समझा जा सकता है। बस आप पर डे के वीडियो को सही ढंग से फॉलो करो, उसे मौजूद क्वेश्चन को सही ढंग से ऑपरेट करो। देखो, आज फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ आए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अड़ेगा आपको पूरा उम्मीद है कि आप अगर वीडियो को सही ढंग से पढ़े, सही ढंग से समझे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बहुत ही अच्छा सा समझा जा सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, एक स्पेशल फंक्शन है, जैसे टाइप में दिखाए थे कि एक स्टेप फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है तो वो देखिए, आज हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको समझ उसका फीलिंग का कोर्स करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी दिखाएंगे। तो बारी बारी से बात करें, फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते किसको है, सो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का मतलब, ठीक है, फंक्शन जो होता है वो एक इंटीजर प्रोड्यूस करता है। कैसा इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स ए इंटीजर हुज वैल्यू इज इक्वल टू एक्स और जस्ट लेस देन एक्स। अड़ेगा कोई नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे एक्स का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाए तो ये एक ऐसा इंटीजर देगा जिसका वैल्यू या तो एक्स के बराबर या जस्ट एक्स से कम, या तो एक्स के बराबर या जस्ट लेस देन एक्स। अड़ेगा ये एक इंटीजर देता है हुज वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, जिसका वैल्यू या तो एक्स के बराबर और जस्ट लेस देन एक्स, और इसका वैल्यू या तो एक्स के बराबर या एक्स से जस्ट कम, जस्ट छोटा। एक ऐसा इंटीजर जिसका वैल्यू या तो एक्स के बराबर या एक्स से जस्ट कम, ये इसका वैल्यू देगा। दैट विल रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नंबर सिस्टम, बेस्ट वे नंबर सिस्टम। किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट निकालना है तो बेस्ट वे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में उस संख्या को प्लॉट कर दो और लेफ्ट साइड में पढ़ने वाला पहला इंटीजर, अगर वो इंटीजर तो खुद वही इंटीजर, और अगर फ्रैक्शन है तो बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर। रिपीट कर रहे फिर से, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता इतना ही है कि कोई नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो प्रोसेस क्या है कि उसको नंबर सिस्टम में शो करो, उसको नंबर सिस्टम में शो करो, और बाएं तरफ अगर वो इंटीजर है तो खुद वही इंटीजर, नहीं तो बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर, नहीं तो बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर। एग्जांपल से समझो, जैसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो ये कैपिटल ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो करता है। ठीक है, अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालना है, क्या प्रोसेस होगा? तो 2.3 को नंबर सिस्टम में शो करो, नंबर सिस्टम समझते हैं ना, तो ये वैल्यू आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, अड़ेगा 3, कुछ इस प्रकार का, अड़ेगा -3, 4, जगह नहीं मतलब यही 4, ऐसा कुछ। अब नंबर सिस्टम में इसको प्लॉट करो, 2.3 कहां पर लाइज करेगा, 2.3 लगभग यहां, मतलब पहचाने, आइडेंटिफाई किए, ये फ्रैक्शन है तो इसके बाएं तरफ लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीजर, नंबर सिस्टम में शो कर दो बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर। सो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा 2, आंसर इज 2। बस इतना ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, वास्तव में इतना ही है। अब इसको आप कैसे समझे, अब लो फिर से 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दीजिए। 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तरीका एक ही, नंबर सिस्टम में प्लॉट करो, 1.6 कहां पर राइज करेगा, नंबर 1.6 लगभग यहां पर, लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीजर, लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीजर, कितना वैल्यू 1, सो रिजल्ट इज 1। अरे 1.6 का फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब बताइए, अब 0.3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा,
0.3 सौ करो कहां पर है, 0.3 लगभग यहां। अब इसके बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीज, बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीज, बाएं तरफ पढ़ने वाला इंटीजर कौन है, जीरो। सो वैल्यूज जीरो। अगर हम यही कर दें -0.3, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका वैल्यू, अब इसका वैल्यू बता, -0.3 कहां पर है, -0.3 लगभग यहां। अब बाएं तरफ, मतलब ये नहीं समझे कि नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिक्स है कि नंबर सिस्टम में सो करो, बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीज, लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीज, वैल्यू कितना हो गया -1। सो वैल्यूज -1, अड़ेगा -1 कोई भी सिस्टम हो जाए, -2.66 या 2.99 का भी अगर बात कर ले, सो इसका वैल्यूज क्या होगा, -2.99 लगभग यहां पड़ेगा, लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीज -3। अब तो आपको भी आइडिया मिल गया हो। हाँ, अगर इंटीजर बोल दे जैसे 2 रहे, एग्जैक्टली 2 पर इलाइज कर जाए तो बाएं तरफ नहीं जाइएगा, खुद वही इंटीजर। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। अड़ेगा अगर इंटीजर हो तो वही इंटीजर, फ्रैक्शन हो तो बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर, इंटीजर हो तो खुद वही इंटीजर, नहीं तो बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। यही है ग्रेडस एंड रिजल्ट का वैल्यू या ग्रेडस एंड रिजल्ट का मान। अब रूल इतना ही है। अब देखिए तुम क्या समझा, अगर तुमसे ये बोले कि एक्स का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 4 के बीच, अब बताइए ग्रेडस एंड रिजल्ट ऑफ 10x का मान क्या होगा। बता, क्वेश्चन कुछ नहीं है, टाइम पास का क्वेश्चन, x का वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच में है तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x का वैल्यू क्या होगा। याद करो 10x का मान क्या होता है, 10x का वैल्यू 0 से 45 के बीच में, 0 का मान मतलब ये अंदर वाला जो डाटा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 से 45 है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 10x का वैल्यू 10 से लेकर 10 45 के बीच में होगा। 10 45 का मान मतलब 1 और 10x 10 0 का मतलब 0, यानी 10x का मान 0 से 1 के बीच में होगा। x का वैल्यू 0 से 45 के बीच में है तो 10x का मान 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच का मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.7, 0.9999 तक हो सकता है, और उनमें से किसी का भी ग्रेडेशन निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो दिस इज जीरो, आंसर इज जीरो। मतलब समझ के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कैलकुलस है ही इंटरेस्टिंग भी, ये वैल्यूज क्या हो, 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में, तो निकालो ग्रेडेस्ट एंड रिजल्ट का वैल्यू क्या, साइन एक्स का मान क्या होगा। पड़ेगा साइन एक्स का वैल्यू क्या हो, एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, सोच के एक बार देखो, ग्रेडेस्ट एंड रिजल्ट का मान निकालना। तो थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को आप ध्यान दो। साइन एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच, अब इसको देखिए साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स जैसे पिछला बार बनाया तो बार भी वही हो गया, बराबर साइन है, साइन 0 और साइन पाई बाय 2, पिछला बार इक्वल टू साइन नहीं था। सो 0 से लेकर साइन एक्स का वैल्यू 1 तक लाइज करेगा, साइन एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लाइज करेगा। अड़ेगा पता क्या आया होगा, 0, 0.1, 0.2, 0.7, 0.9, 0.99 और 1 भी। पता आंसर क्या लिखे, तो 0.0 से लेकर 0.99999 तक का वैल्यू ग्रेटर देन क्या आया होगा, 0, लेकिन 1 का जब 1 लेंगे 90 ले लेंगे साइन 90 तो वैल्यू 1 आ जाएगा और ग्रेटर देन 1, यानी इसका दो आंसर, इसका दो आंसर। अब यही बात को तुमको समझ के आप चलना होगा, इसका दो आंसर कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच, और यही वाला वैल्यूज पाई बाय 2 पर अगर हो जाए, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा तो वैल्यू इज 1। यानी ग्रेटर देन या साइन एक्स कुछ भी बोलने के पहले आप उसके बारे में जरूर यूज कीजिए, और थोड़ा ध्यान दो,
जैसे अगर हम तुमसे एग्जाम में ये पूछ दें कि बता ग्रेटेस्ट एंड ईयर ऑफ कॉसिक्स क्या होगा, ग्रेटेस्ट एंड ईयर ऑफ कॉसिक्स क्या हो सकता है, अटेगा ग्रेटेस्ट एंड ईयर ऑफ कॉसिक्स क्या हो सकता है, तो याद करो कॉसिक्स के बारे में सोचो। कॉस का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लाइज करता है। कॉसिक्स का जो मान होता है आप लोग जानते हैं, इसका वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। अटेगा अब कॉसिक्स का वैल्यू अगर -1 से लेकर 0 के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट एंड ईयर ऑफ कॉसिक्स का मान क्या देगा, कॉसिक्स का वैल्यू आएगा -1। अगर कॉसिक्स का वैल्यू जीरो से लेकर 1 के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट एंड ईयर ऑफ कॉसिक्स का वैल्यू आएगा 0, और कॉसिक्स का वैल्यू एग्जैक्टली 1 के बराबर हो तो कॉसिक्स का ग्रेटेस्ट एंड ईयर आएगा 1। तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा, हर बात को समझते हुए, हर इंटीजर को ध्यान रखते हुए आंसर लिखना है आपको। पढ़िएगा, अगर आपको 10x का दे दिया कि 10x का ग्रेटेस्ट इंडिया निकालिए, पता 10x के बारे में सोच सकते हैं, तो 10x का रेंज क्या हो सकता है, -∞ से ∞, सारा वैल्यू बेच के एक्सेप्ट करता है -∞ से ∞ तक। अब बताओ इसमें कौन क्या ग्रेटेस्ट इंडिया पड़ेगा, सोचो बीच में कोई भी से बात कर रहे हैं, -∞ से ∞ तक का हम लोग बात करें, अटेगा -∞ से ∞ तक समझो, पूरा तो नहीं दिखा सकते, ये समझे कहीं तो ये -3 से लेकर -2 के और रहेगा, -1 रहेगा, 0, 1, 2, 3 एंड .. अब 10x का वैल्यू अगर इनके बीच में पड़ेगा तो रिजल्ट इन सभी का इन रूट्स जब इनके बीच में पड़ेगा रिजल्ट इन्हें क्या देगा -3, इनके बीच में पड़ेगा -2, इनके बीच में पड़ेगा -1, इनके बीच में पड़ेगा 0, इनके बीच में पड़ेगा 1, इनके बीच में 2, इस तरह पीछे और भी और आगे भी, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आउटपुट क्या देगा, ऑल द इंटीजर्स, ऑल इंटीजर नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑल इंटीजर लाइज बिटवीन -∞ से ∞, कुछ इस तरह का वैल्यू। तो ये आपका ग्रेटेस्ट एंड ईयर, तो जब भी ग्रेटेस्ट एंड ईयर का रिजल्ट दिख रहा है तो आप केयरफुल रहिए कि उसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा उसके आधार पर। चलिए और कुछ क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड सीखने का कोशिश किया जाए। लो आप इसके लिए कुछ रिवर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करें, सम मोर एग्जांपल, अड़ेगा कुछ और एग्जांपल ले लिया जाए, अगर कहीं पर रिवर्स किसे ज्यादा आसान होगा, अड़ेगा कोई आदमी सीधा चल रहा सबको आता है, कोई भी स्टार्ट किया सीधा चलने लगा दो कदम चला समझे सीख के तो उल्टा चलने लगे कंट्रोल हो गया तो समझो कि ज्यादा अच्छा कंट्रोल में आया। अड़ेगा गाड़ी का ड्राइविंग का टेस्ट में जब आता है तो पीछे बैक करने के लिए बात करता है, अगर बैक का टेस्टिंग सही हो गया तो मतलब ड्राइवर कमांड में आ चुका, तो इस तरह का रूल में आता है। इसी तरह से अगर कुछ बैक क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं रिवर्स, और अगर उसका आप एनालाइज कर पाए तो आप समझिए कि ग्रेटेस्ट एंड ईयर का 10 तक शुरुआत हो गया, स्टार्टिंग आपको होगी। अब बताओ अगर आप कहीं पर ये दे दें ग्रेटेस्ट एंड ईयर ऑफ एक्स बराबर 2, पता एक्स का क्या मान हो सकता है, रिवर्स ग्रेटेस्ट एंड ईयर वैल्यू दिया हुआ, ग्रेटेस्ट एंड ईयर निकालना सीख गए, अब ग्रेटेस्ट एंड ईयर दे दिया वापस एक्स का वैल्यू निकालना है, तो दिया हुआ है ग्रेटेस्ट एंड ईयर एक्स बराबर 2, देन फाइंड एक्स, एक्स निकालिए। सोचो इसको एकदम बढ़िया सोचो दिमाग लगा, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट एंड निकाला जाए तो वैल्यू 2 आता है, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट एंड ईयर निकाला जाए तो वैल्यू 2 के बराबर आता है, सोचो एक बार क्या हो सकता है, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा नंबर जिसका ग्रेटेस्ट एंड ईयर निकाला जाए तो वैल्यू 2 के बराबर होता है, सोचो क्या होता है, एकदम थोड़ा ध्यान से, ग्रेटेस्ट एंड 2 किसका आ सकता है, 2 का ग्रेटेस्ट एंड ईयर 2, देखो ध्यान से नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को फिर से यूज की, ये आपका -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये देखिए ऐसा कौन सा नंबर, इनका ग्रेटेस्ट ईयर निकालेंगे क्या आता है -1, ये नहीं चाहिए, इनका ग्रेटेस्ट ईयर 0, ये नहीं चाहिए, 1 से 2 के पीछे कोई नंबर निकालेंगे ग्रेटेस्ट ईयर वो आएगा 1, ये भी नहीं चाहिए, 2 से 3 के पीछे ग्रेटेस्ट ईयर निकालेंगे 2, 2.1, 2.2, सब का ग्रेटेस्ट ईयर 2, ये वाला एक्सेप्ट, 3 से 4 के बीच 3 आएगा, ये नहीं चाहिए, आगे भी नहीं चाहिए, यानी आंसर कहां से कहां सक सकता है 2 से लेकर 3 तक, सो x का वैल्यू लाइज करेगा 2 से लेकर 3 तक।
क्या ये टू को टच कर सकता है? सोचो एक बार, सोचो टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू, यस एक्सेप्ट, क्या हो सकता? क्या थ्री में भी ऐसा होगा? नहीं। जैसे थ्री का बराबर टच करेगा वो तीन देगा, दो नहीं। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर टू, एक्स का वैल्यू लाइज करता है टू टू थ्री के बीच, टू से थ्री के बीच, कुछ इस तरह का इंटीजर देगा। तो इस बार सोचने की कोशिश करो, लो एक बार फिर से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर फाइव, बताओ एक्स का वैल्यू क्या होता है? सेम प्रोसेस सोचो, रटो नहीं, रूल ले याद करो, ठीक है फाइव है तो क्या हो सकता है? फाइव, फाइव पॉइंट वन, फाइव पॉइंट टू, कहां तक? सिक्स तक। सो हम एक्स का वैल्यू कह सकते हैं कि पांच से लेकर छह के बीच। सो ये इसका रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट। अगर कुछ निगेटिव नंबर भी सोच सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर माइनस टू, अड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर माइनस टू, रटो नहीं, माइनस टू किसका आ सकता है? ठीक है बस, तो सोचते हैं यहां पर इन सभी का वैल्यू जीरो, इन सभी का वैल्यू माइनस वन, ये अलग नहीं चाहिए, यहां तक का जो वैल्यू होगा इन सभी का वैल्यू क्या देगा? माइनस टू। इन सभी का वैल्यू क्या देगा? माइनस टू। कहां तक का? माइनस टू से लेकर माइनस वन तक। सो एक्स का वैल्यू लाइज करेगा माइनस टू से लेकर माइनस वन के बीच, इसका वैल्यू आपका माइनस टू देगा। तो ये सोचना आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आइडिया मिल सकता है, राइट, या आपको मिल सकता है। बताओ याद है बड़ी का? क्या आप सोच पा रहे? और सोचते थोड़ा सा ध्यान देते, अगला अगला, ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट, चले अगला क्वेश्चन, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो कहीं पर दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान दो से बड़ा, अगर दो के बराबर नहीं, दो से बड़ा ले लिए, तब क्या हो सकता है? सोच के देखो, रटना नहीं है, दो से बड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान दो से बड़ा, मतलब दो से बड़ा का मतलब क्या हो? 2.1 हो सकता है? नहीं, ये इंटीजर है, इंटीजर 2.1 कहां से हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान दो से बड़ा है, मतलब तुरंत फायदा निकाले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हुआ? तीन, चार, पांच, छह, सात, सारा सारा यहां तक, इसका मतलब निकालो ये वैल्यूज, ये आपका जीरो, वन, टू, नंबर सिस्टम समझा रहे हैं, फोर, फाइव, सिक्स, अड़ेगा तीन से, तीन किसका आएगा? इन सभी का, पर इसके आगे तक, इसके आगे तक टच नहीं करेगा, आगे तक। चार किसका आएगा? यहां से लेकर आगे तक, यहां से लेकर आगे तक, पर आगे सारा। तो हम कह सकते हैं कि तीन से लेकर इंफिनिटी तक, तीन से लेकर इंफिनिटी तक। सो आपका कंक्लूजन क्या आ गया? सो आंसर आ गया कि एक्स का वैल्यू लाइज करेगा तीन से लेकर इंफिनिटी के बीच सारा, तीन से लेकर इंफिनिटी के बीच सारा। तो बहुत होश में रहिएगा, पर समझ भी यूज कीजिए, अपना ब्रेन भी यूज कीजिए। अब यहीं पर अगर इक्वल टू साइन आ जाए, इक्वल टू साइन आ जाए, तब क्या हुआ? दो या दो से बड़ा, मतलब दो को छोड़ना नहीं है, दो भी शामिल, दो को शामिल करने के लिए ये सारा आएगा, ठीक है, मतलब दो भी शामिल, और उस स्थिति में यही वाला आंसर चेंज हो जाएगा टू टू इंफिनिटी। बहुत ही केयरफुल रहे, एक साइन चेंज हुआ मैप चेंज, एक साइन चेंज हुआ आंसर चेंज, एक साइन चेंज हुआ इंटरवल चेंज, तो आप इसको ध्यान रखते हुए बढ़ जाइए, ठीक है। तो एक एक बात पर केयरफुल रहने की जरूरत है, यही सब समझिए, इसीलिए कैलकुलस बहुत ही अच्छा है, मेरिटोरियस पेपर है, अड़े का टेस्ट करता है आपका आईक्यू का, या आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ टेस्ट कर रहे हैं या नहीं। अब इसी का रिवर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन फोर, अब इसको डिस्कस करो कि फोर से कम, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू फोर से कम होना चाहिए, चार, पांच, ऐसा, मतलब चार से कम, चार से कम मतलब इंटीजर ना जो चार से कम, माना तीन या तीन से पीछे, तीन पर ये 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 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसको होने के लिए चार तक जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, इसको होने के लिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेकर चार तक। सो एक्स का जो वैल्यू है वो लाइज करेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर फोर तक, माइनस इंफिनिटी से फोर टच नहीं, फोर तक। इसलिए रटिएगा नहीं, समझ के बनाइए, ग्राफिकल दिखाइए, चाहे आप बनाओ चाहे नहीं बनाओ, मन में बनाओ, ग्राफ दिखाओ और आंसर आपके यहां। अब आगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन, देखो ये अगला, अगर हम इक्वल टू फोर ले लेते,
इक्वल टू फोर लेने का मतलब क्या हुआ, फोर को भी टच करेगा, मतलब चार, चार किसका आ सकता है यहां तक, मतलब ये वाला रेंज भी शामिल। तो आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर फाइव तक। आप रटेंगे नहीं, समझ के बना लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। ऐसे हम इसको फॉर्मूला के रूप में लिख देंगे, लेकिन काम करें, समझ के बनाइए, वो बेस्ट है, अच्छा है कि आप उसको समझ के बनाते चले। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर हम ये देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू वन से लेकर फोर के बीच है, बताओ अब आप इसको डील कर सकते हैं? अगर आप समझते हो तो आराम से डील होगा, नहीं समझते तो नहीं डील होने वाला है। सोच के देखो, एक्स का वो वैल्यू पता लगाइए जिससे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन से टू के बीच में है, ना वन के से बराबर होना चाहिए ना फोर के बराबर होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू या तो दो होगा या तीन होगा, या तो दो होगा या तीन होगा। और अब बताना बहुत आसान है, अब बताना बहुत आसान है, वन टू थ्री फोर ऐसे नहीं नंबर है आपके पास, दो कब होगा, दो से लेकर तीन के बीच, तीन कब होगा, तीन से लेकर चार के बीच, मतलब एक्स का वैल्यू आप निकालिएगा तो वैल्यू आपका निकलेगा टू टू फोर। कुछ भी गेस नहीं करना, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटिएगा, फॉर्मूला हम ही लिखाएंगे लेकिन रटिएगा देखना भी नहीं, ये समझ ज्यादा जरूरी। हाँ, यहां पर अगर इक्वल टू साइन हो गया, साइन चेंज मतलब वन से फोर तक, मतलब वन भी आ गया फोर भी आ गया। अब वन कब होता है, जब यहां पे इवन लेंगे, फोर कब होगा, जब हम ये भी लेंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, वन टू फाइव, ऐसा हो जाए सब चीज, बात चेंज कर। अब वन से फोर, वन बराबर है लेकिन फोर नहीं, यानी यहां तक होगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग आंसर आपका चेंज होता चला जाएगा। तो आप क्वेश्चन को मीनिंग को समझिए, खुद से डिराइव कीजिए रिजल्ट, ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लो एक और देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आपका दिया हुआ माइनस टू से लेकर टू के बीच, लो इसको ड्राइव करो, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कहीं पर कोई एक्स्ट्रा नहीं, सेम क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए रिजल्ट लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू माइनस टू से टू के बीच, टू से टू के बीच है, अब बताओ क्या क्या हो सकता है, तुरंत आप इसके बारे में सोचो क्या क्या हो सकता है, माइनस वन, जीरो, वन बस, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री, नंबर सिस्टम है ये, माइनस वन होने के लिए ये चाहिए, जीरो होने के लिए ये चाहिए, वन होने के लिए ये चाहिए, यानी आंसर क्या हो गया कि एक्स का वैल्यू लाइज करेगा माइनस वन से लेकर, माइनस वन से लेकर टू के बीच। तो ये जो रिजल्ट है आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जरूरी कि ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर मेंटली ग्राफ बनेगा फिगर होगा, मेंटली ग्राफ होगा फिगर होगा, रटिएगा नहीं कोई भी रिजल्ट को नहीं, ठीक है। इन सभी बात को जितना हम तुमको समझाएं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इन सभी को ध्यान रखते हुए हम कुछ प्रॉपर्टीज के रूप में अब इसको दिखाने जा रहे हैं। अड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, अड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ प्रॉपर्टीज, अड़ेगा आओ लिखते चले। लो पहला प्रॉपर्टीज, अड़ेगा पहला प्रॉपर्टीज, कोई भी जो नंबर्स होगा एक्स, एक्स का जो मान होगा, एक्स कोई भी इंटीजर नंबर्स है तो एक्स का वैल्यू हमेशा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन के बीच में लाइज करेगा, बोलो तो ये बात सही में आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन के बीच में लाइज करेगा, यहां पर बराबर नहीं हो सकता, ये बराबर, सोच के देखो 2.3 कहां लाइज करेगा, तो 2 से लेकर 3 के बीच होगा ना, ऐसे बात वही लिखा हुआ है 2 और 2 में एक जुड़ा हुआ है 3, अगर मान लो ये 3 भी रहा, यह अगर 2 भी रहेगा तो 2 इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर कभी नहीं हो सकता,
वही लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर हो वर्ल्ड में, वही कोई भी नंबर हो, उसका जो ग्रेट वैल्यू होगा वो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन से ज्यादा ग्रेटेस्ट के बीच में लाइज करेगा। सॉरी दूसरा अड़ेगा, दूसरा अगर हम लोग इसी का रिवर्स बात करें तो ऐसा किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा एक्स और एक्स माइनस वन के बीच में लाइज करेगा, बराबर हो सकता है इधर इधर में, जैसे टू जो होता है ठीक है, टू जैसे मान लो एक्स का वैल्यू 2.3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2, तो 2 जो है वो 2.3 से लेकर 1.3 के बीच में लाइज करेगा। हाँ अगर मान लो ये पूरा पूरा 2 रहता तब भी देखो ये 2 जो होगा 2 और 1 के बीच में लाइज करते, इसके बराबर हो सकता है कभी इसके बराबर नहीं। तो जब भी जरूरत रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाने का ये कॉन्सेप्ट फायदा बना सकता है। ठीक है आगे चल के सीरीज का सम उम करने में इसका काम आता है। तीसरा अड़ेगा, तीसरा वैल्यू इसको ध्यान दो अड़ेगा, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है अड़ेगा, कोई भी नंबर्स है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए अगला प्रॉपर्टीज के रूप में अगर हम लोग बात कर ले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारे पास दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मैं अड़ेगा, कोई इंटीजर जुटा हुआ या घटा हुआ रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई इंटीजर जुटा या घटा रहा तो आप उस इंटीजर को उससे बाहर कर सकते हैं। आइए अड़ेगा इंटीजर्स को उससे बाहर कर सकते हैं, जैसे x प्लस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर रहा तो आप इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5, बहुत ही आसानी से। माइनस रहा आप यहां पर माइनस लिख सकते हैं, इंटीजर जुटा या घटा रहा तो कर सकते हैं। अगर x गुना में इंटीजर रहा अटेगा तो आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू आई नहीं लिख सकते हैं अटेगा। यह इसका प्रॉपर्टीज, क्या आपको बात समझ आ रहा है? तो ये इस चीज को ध्यान रखो कि जुटा या घटा रहा इंटीजर तो आराम से बाहर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। गुना में रहा बिल्कुल नहीं, भूल के नहीं, अंतर पड़ता है ठीक है। गुना में रहा तो उसको डिस्कस करने का अलग तरीका है, वो फिर फ्रैक्शन पार्ट का यहां पर सेट होता है। अब आओ अगला प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, माइनस एक्स का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाए, एक्स का नहीं माइनस एक्स का अगर ग्रेटेस्ट निकाला जाए तो ये वैल्यू माइनस एक्स के बराबर भी हो सकता है। बराबर हो सकता है कब? जब एक्स एक इंटीजर रहा तो, और यही वैल्यू होता है माइनस एक्स माइनस वन, ऐसा तब जब एक्स इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। क्या ये बात समझिए? जैसे मान लो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 2, ये सही है। माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2, आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है माइनस 2 ये इस 2 के बराबर आ गया, माइनस वही लिखा है माइनस एक्स का वैल्यू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर आया, कब? जब एक्स इंटीजर है। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन पार्ट हो जाए 2.3, अगर हम इसका बात करें क्या हम ऐसा कर सकते, ठीक है 2.3 का फ्रैक्शन पार्ट 2, माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो माइनस 3 आ गया जो इसके बराबर नहीं है। तो वास्तव में ये हुआ क्या है, माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 क्या है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 माइनस 1। सो माइनस 2.3 को हम लिख सकते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसको ध्यान रखना। आप यही प्रॉपर्टीज के आधार पर छठा प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर हम एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर को जोड़ दे ठीक है बस, तो वैल्यू क्या आएगा 0, जोड़ के देख लेना कब? जब एक्स इज ए इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर हुआ तो ऐसा, और एक्स प्लस माइनस एक्स को जोड़ने पर सीधे आएगा माइनस 1, कब?
जब x इज नॉट ए इंटीजर। अगर इंटीजर हुआ तो जीरो, नॉट इंटीजर हुआ तो माइनस वन। अगर x, अगर इसी को कोई घटा दे, देखिए अगर इसी को कोई घटा ले तब वैल्यू क्या होगा, सिंपल वहीं से घटा के निकाल लिया है, तो टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा तब जब x इज ए इंटीजर, x इज ए इंटीजर, और यही घटाने पर x माइनस माइनस एक्स घटाने पर आएगा टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वन, कब, जब x इज नॉट ए इंटीजर। तो कोई बड़ा अलग कंसेप्ट नहीं है, बस उसी को हाईलाइट करते हुए जा रहे हैं। तो ये सात प्रॉपर्टीज आपको लिखा है, कुछ और प्रॉपर्टीज आपको मेंशन कर रहे हैं और बारी बारी देखते हुए चले। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर एट, प्रॉपर्टी नंबर एट जो अभी समझाया ना बस वही को लिखते जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर एक्स, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर एन, वेर एन इज द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिखो, एन इज द इंटीजर, इंटीजर तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स बराबर लाइस करेगा एन से लेकर एन प्लस वन के बीच, यहां बड़ा ये छोटा ऐसा भी बोल सकते हैं, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू n के बराबर और n प्लस वन से कम, n प्लस वन के बराबर और n प्लस वन से कम। अगर हम ऐसा कर दे इज इक्वल टू, देख लो बढ़िया से, x प्लस वन इंटीजर है तो ऐसा आया, अगर यही ग्रेटर देन n कर दे तो हम समझाए थे बस ग्रेटर देन n का क्या मतलब, तो इसका मतलब अभी जो पीछे निकाल के दिखाए थे अब उसी को लिख दे रहे हैं, लेकिन याद मत करना तो अपने से निकाल लेना। सो इससे रिजल्ट क्या आएगा कि एक्स जो है वो लाइस करेगा एन प्लस वन से लेकर, एन प्लस वन से लेकर ठीक है इन्फिनिटी तक, एन प्लस वन से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर इसी को बराबर साइन भी डाल दे तो ये वाला वैल्यूज क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू एन से लेकर इंफिनिटी तक। नया कर रहा है लिख लो, याद ही करना आप उसी का फायदा लीजिए ज्यादा बेहतर है। अड़ेगा अब आगे, अड़ेगा अब इसी के आधार पर आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसको देखिए। अड़ेगा टेन नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन एन, अड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू एन से कम, एन से कम, तो हम लोग का रिजल्ट यही आता है कि एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर एन तक लाइस करेगा। अड़ेगा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू इक्वल टू एन हो जाए तो ये वाला वैल्यू कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। अड़ेगा कुछ कंक्लूजन इस प्रकार का है, मतलब जो आपको समझा है ना बस वो प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करते हुए यहां लिखते चले जा रहे हैं, उसी प्रॉपर्टीज को केवल हाईलाइट करते हुए लिख लिए। ग्रेटर हो गया लेस, अब ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अब ए और बी के बीच में लाइस कर रहा है, अब इसका लिखा नहीं जा सकता क्योंकि ये इंटीजर है नहीं है पता नहीं, इसलिए इसको अलग से नहीं लिखते ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज, एक दो छोटे छोटे और, अगर मान लो ग्रिड सेंटर है उसके ऊपर एक और ग्रिड सेंटर लगा दे क्या हो, ग्रिड सेंटर के ऊपर एक और ग्रिड सेंटर लगा दे तो फर्क नहीं पड़ता चूंकि इंटीजर ग्रिड सेंटर एक इंटीजर देता है और इंटीजर का रिजल्ट खुद वही इंटीजर होगा, इसलिए आप दो बार लगाओ, तीन बार लगाओ, पांच बार लगाओ, सात बार लगाओ, आपका आउटपुट क्या होगा, जस्ट ए सिंगल ग्रिड सेंटर। एक और देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x का बात करे तो आप x को लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं x by 2 plus x plus 1 by 2, x plus 1 by 2। अड़ेगा ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 13 भी एक बार देख लो, अगर कहीं पर n एक नेचुरल नंबर है, n इज ए नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन को आप लिख सकते हैं, दिस इज एन प्लस वन बाई टू प्लस प्लस एन प्लस एन प्लस टू बाई फोर प्लस एन प्लस फोर बाई एट प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट तक ऐसा लिखा जा सकता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी से वेट कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के लिए बात करें, अगर एन ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देखो ऐसा एक्स प्लस अटेगा एक्स प्लस वन बाई एन एक्स प्लस वन बाई एन प्लस एक्स प्लस टू बाई एन प्लस एक्स प्लस थ्री बाई एन ऐसा अगर लिखा जाए डॉट 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 एक्स प्लस एन माइनस वन बाई एन अड़ेगा तो आप लिख सकते हैं कि दैट शुड बी इक्वल टू एन एक्स, ये आपका एन एक्स के बराबर होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल के साथ इसको डील करते हैं, कुछ एग्जांपल, बहुत जरूरत तो नहीं है लेकिन तब भी कुछ क्वेश्चंस को देखो, अड़ेगा कुछ क्वेश्चंस को साथ में डील कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और देखते चलो बारी बारी कुछ क्वेश्चंस को लेके चले। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला y बराबर टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस थ्री, y बराबर 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस थ्री, ठीक है x माइनस टू, सॉरी यहां पर 3 है और ये आपका 2, ठीक है प्लस 5, और आपसे कहता है कि फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, अड़ेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है, अड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है। प्रोसेस क्या है, अलार्म सिंपल सा, कुछ प्रॉपर्टी यूज कर लो, इतना तो श्योर है कि दोनों वाई को आप इक्वेट करना चाहेंगे, ये दो वाई है दोनों वाई को इक्वेट करेंगे, सो क्या आएगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 बराबर 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 5, और इनको सॉल्व करते हुए एक्स और वाई का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। सो ये देखिए 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3, हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में के अंदर में अगर कोई डिजिट जुटा हो घटा हुआ है तो आप उसको बाहर कर सकते हैं, सो 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 3 इंटू 2 6 अब प्लस 5, और अब तो एक ही वेरिएबल रह गया ये और ये, इसको इधर ले आओ, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये कितना है 1 माइनस 1 इधर ले आए तो 4, अड़ेगा 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 है उधर लगे तो 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर 4, सो एक्स का वैल्यू आप समझ के बनाइएगा तो आराम से 4 से 5 के बीच, अरे एक्स का वैल्यू 4 से लेकर 5 के बीच में है, ठीक बस यही आपका रिजल्ट आया, आपको एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए तो इसका देखिए, अब हम वाई का मान किसी एक के बढ़ाकर वाई निकाल सकते हैं, वाई तो यही से निकल जाएगा, वाई बराबर 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मतलब 4 प्लस 3 8 3 11, सो वाई का वैल्यू कितना है 11, वाई का एग्जैक्ट वैल्यू 11, तो हमसे ये वैल्यू मांग रहा था, चलो अब इसको बढ़ाते हैं, एक्स प्लस 11 11 बाहर, अरे अब तो कहने खत्म हो गया, 4 प्लस 11 सो रिजल्ट इज 15, आंसर इज 15। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कि इसको सॉल्व करके x का मान निकाले, सॉल्व x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 0 या 0 से बड़ा, अड़ेगा x का मान 0 या 0 से बड़ा,
एक्स का बार एक्स माइनस एक्स, ठीक है बस। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक्स का जो वैल्यू होता है, एक्स का जो वैल्यू होता है वो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा, राइट, ऐसा बस इसके बीच में लाइज करता है। अभी हमको इससे मतलब है, अभी हमको इतने मतलब है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर हम इंटीजर को उधर ले जाते हैं सो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा, सही है, मतलब वही चीज दिया हुआ है। तो ये सॉल्व करके क्या आंसर लिखेंगे, ऑल वैल्यूज, सो ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यू, आंसर क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यू। आएंगे बात, अगर थोड़ा सा चेंज करके ये साइन हटा दें अब क्या होगा, बता अब क्या होगा, बता। हम लोग को वो नंबर चाहिए जिसके लिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान हमेशा जीरो से बड़ा हो, बराबर कभी ना हो। बराबर कब होता है, जब जीरो कब होता है, जब दोनों इंटीजर हो। मतलब यहां पर x का कंडीशन आंसर क्या होगा कि x इज नॉन इंटीजर, आंसर क्या लिखी, तो ये समझ हुआ कि x इज नॉट ए इंटीजर। ऑल रियल वैल्यूज, सारा रियल वैल्यू होगा लेकिन इंटीजर्स नहीं, इंटीजर्स नहीं, और उसी के आधार पर आंसर, सारा रियल वैल्यू लेकिन इंटीजर्स नहीं। x का x सारा रियल वैल्यू हो सकता है बस इंटीजर्स नहीं, हो जाए बस, यही आपको सॉल्व करते हुए निकल। अगर यही साइन पलट दे तब क्या हो, बताओ, इसको सॉल्व कर दे एक्स वारस एक्स, मतलब वारसा कौन सा नंबर जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर उसमें से घटा दे और वो जीरो से कम आ सके, तो वर्ल्ड में ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है। एक्स का मान हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा तो कभी होता ही नहीं है, एक्स का वैल्यू हमेशा बड़ा। अब तुम्हारे पास बड़ा में से छोटा चीज घटाएंगे या बराबर चीज घटाएंगे तो जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, यह निगेटिव, तो आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशंस। तो थोड़ा सा समझ के साथ क्वेश्चन आपको भेंट होगा, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एट बराबर टेन। लो इसको सॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एट बराबर टेन। आपको सॉल्व करते हुए एक्स का मान निकालना है, देखो कैसे निकाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, आप इंटीजर को बाहर कर सकते हैं, आप इंटीजर को बाहर कर सकते हैं, यह फैसिलिटी आपको मिला, बस और काम खत्म। अब तो एक कोई भी निकाल दे, कोई बच्चा भी निकाल दे, ये बैलेंस क्या आ गया 20, ये बैलेंस क्या आ गया 10, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 10, सो एक्स का मान क्या होगा। हम तुमको बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया, जस्ट आपको हम दिखा रहे हैं प्रॉपर, इसको थोड़ा हेल्प लीजिए, थोड़ा सा समझ और आराम से आंसर। लो इस क्वेश्चन को एक बार देखो, एकदम सिमिलर एक क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज एक्स माइनस वन और सेवन माइनस एक्स बराबर सिक्स, एक्स माइनस वन और सेवन माइनस एक्स बराबर सिक्स। सॉल्व करते हुए एक्स का मान निकालना है, ठीक है बस, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो बन सकता है। x और ये हो गया वन, ये हो गया सेवन और ये हो गया माइनस एक्स। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया सिक्स, एन हो गया सेवन, ऐसा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन और सिक्स ये जोड़ेगा तो सिक्स, और ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस सिक्स, ये सिक्स को सिक्स ले गए, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस बराबर सिक्स, सिक्स सिक्स कट गया जीरो, मतलब एक्स क्या है इंटीजर। सो ये कह सकते हैं कि एक्स इज द इंटीजर, एक्स आपका इंटीजर हो गया, सारा इंटीजर, हाँ सारा इंटीजर हो गया, क्या यहां तक बात ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो एक क्वेश्चन है ऐसा,
दिस इज साइन एक्स, इसको सॉल्व करना है, साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर और वन माइनस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस कॉस एक्स, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है, वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है, तरीका देखो, दिस इज साइन एक्स, वन को बाहर करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ये आपका वन और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स, ऐसा हो सकता है, देखो बड़े ऐसा कुछ अड़ेगा, वन और वन मिलाकर टू, और ये हो गया साइन एक्स और उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, बाएं तरफ ले आए, ये आपका टू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स, अड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बाहर सकते, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर कोई नंबर उसमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दे, कोई नंबर उसमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दे, ठीक है, बता तो नहीं सकते लेकिन इतना ही है कि कोई फ्रैक्शन बचेगा, आप लोग के पास इतना ही कंक्लूजन है, फ्रैक्शन बचेगा। अब कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या आ सकता है, कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर तीन वैल्यू हो सकता है, माइनस वन जीरो और वन, और एक अगर माइनस वन लेंगे तो वैल्यू आएगा वन टू और थ्री, पर लेफ्ट साइड आया फ्रैक्शन और राइट साइड आया कि रेंज कितना आ सकता है, या तो वन या टू या थ्री, क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक्स का इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, देखा इक्वेशन है नो सॉल्यूशंस, आंसर लिख सकते हैं नो सॉल्यूशंस, तो मतलब थोड़ा सा समझ के साथ आप इन्वॉल्व कीजिए तो आंसर निकालना संभव है। देखो एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालिए, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, नहीं ध्यान दो बस समझ, इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब x और y कैसा आएगा, इंटीजर्स, इंटीजर्स आएगा, अब तुम सोचो अगर x और y मतलब सॉल्यूशन में क्या है, हियर x और y इंटीजर है, x और y दोनों का दोनों इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एक ही चीज है, y और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y एक ही बात है, बस इतना ही तो समझिए, सो x प्लस y बराबर क्या हो गया एक्स वाई, निकाल देना आप x बराबर y को उधर ले आगे कॉमन ले लिए तो x माइनस वन, y बराबर x डिवाइड बाय x माइनस वन, अब आपको निकालना है मतलब x की जगह पर इंटीजर पुट करना है और आपको ऐसा इंटीजर पुट करना है जिससे y भी इंटीजर आ जाए, x की जगह पर वो इंटीजर पुट करना है जिसके लिए y इंटीजर आ जाए, ये कब संभव है, जब नीचे वाला या तो वन आए या माइनस वन आए, देखो y इज इंटीजर, ये समझ हुआ मैं आपका, इंटीजर ओनली वेन, केवल तभी when x माइनस वन इज प्लस माइनस वन, या तो वन या माइनस वन, x का वैल्यू अगर वन है तो टू या जीरो, यानी यहां पर x का दो ही मान हो सकता है, या तो टू या जीरो, अब सोचो अगर x का वैल्यू टू, x का वैल्यू टू, टू बढ़ाओ तो टू टू माइनस वन, यानी y का मान भी क्या आएगा टू, आंसर इज टू टू, और अगर x का मान जीरो लिया जाए तो जीरो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन यानी वाई का मान भी क्या आ गया जीरो, तो यहां पर दो ही इंटीग्रल सेट संभव है, जीरो जीरो टू टू, जीरो जीरो और टू टू, चलिए यहां तक बार तो ठीक है, नेक्स्ट एक दो छोटे छोटे और क्वेश्चन दिखाते हुए बस लास्ट करें आज का, दसो वन प्लस साइन इसको सॉल्व करना है, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो वन से बड़ा, आपको इसको सॉल्व करना है, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये आपको सॉल्व करके लाना है,
अड़ेगा ये इसको सॉल्व करके लाना, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का ग्रेटर इक्वल टू वन। तो देखो वन ग्रेटर इंटीजर से बाहर हो सकता है, कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स का ग्रेटर इंटीजर वन, ये वन को उधर ले गए, एक्स का वो वैल्यू खोजना है जिससे साइन स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा। साइन एक्स का मान क्या हो सकता है, साइन एक्स का मान होता है माइनस वन से वन, और साइन स्क्वायर का जीरो से वन, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू जीरो से वन। अब सोचो एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है, क्या वैल्यू एक्सेप्ट होगा, साइन का वैल्यू लाइन का जीरो से वन, जीरो से वन के बीच का कोई भी वैल्यू लिया जाए तो ग्रेटर इंटीजर क्या मिलेगा, कुछ का जीरो और कुछ का वन, दो ही चीज मिल सकता है, और दोनों स्थिति में जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, मतलब ऑल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स आर एक्सेप्टेड, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स आर एक्सेप्टेड। अड़ेगा एक्स का सारा रियल वैल्यू पॉसिबल है, एक्स का सारा रियल वैल्यू एक्सेप्ट है, और सारा का सारा आंसर। चलिए अगला तो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, वाई बराबर दीजिए, वाई बराबर वन बाय थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ऐसा वाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई बराबर टू कॉस एक्स। तो सॉल्व करते हुए एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन में आए, देखे जाए, गौर से देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स है, जो भी इंटीजर देगा, ग्रेट साइन एक्स प्लस इंटीजर, तो क्या हम ये वाला इंटीजर को बाहर कर सकते, जैसे हम बाहर करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स टू साइन एक्स, देखो मैं इसी में सुधार रहे हैं, इसी में इसको भी जरा सेटअप, तो ये वाला क्या हो गया, वन बाय थ्री साइन एक्स और टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ये भी इंटीजर, फिर इस इंटीजर से बाहर, सो वन बाय थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ऐसा कुछ। सो ये हो गया वन बाय थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री साइन एक्स, ये और ये क्या आंसर, सो वाई बराबर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ये वाई बराबर दिया हुआ है, देखो बैठाएंगे इसको। अब सेकंड जो इक्वेशन था, ऑल्सो एक और इक्वेशन क्या था आपके पास, y और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर 2 cos x, ये ना था आपके पास, सो ये देखो गौर से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y ये एक इंटीजर देगा, y में कोई भी इंटीजर जुटेंगे तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर कर सकते, टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर टू कॉस एक्स, टू और टू कैंसल। अब यहां पर देखो वाई का वैल्यू यहां बढ़ा रहे हैं, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, क्या याद पड़ी क्या, इंटीजर का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर क्या आ गया, कॉस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, इधर आया। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, क्योंकि दोनों जगह एक्स है तो थोड़ा ध्यान रखते हुए तोड़ना होगा। अब ये शुरुआत करते, गौर से देखना, अगर एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच है, ठीक, बस देन फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या, इस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, जीरो बराबर कॉस एक्स, कॉस एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर पाई बाय टू, जो कि इस रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं है, सो रिजेक्ट, सो आपका वैल्यू रिजेक्ट। एक केस, अगर एक्स का वैल्यू हम पाई बाय टू पूरा पूरा मानते भी हैं तो साइन एक्स का वैल्यू क्या देगा, वन, सो फ्रॉम फर्स्ट वन बराबर कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो,
ये भी पाई बाय टू के बराबर नहीं आया। सो रिजेक्ट, एक्स का वैल्यू पाई बाय टू से लेकर पाई के बीच हो इस स्थिति में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का वैल्यू जीरो, और ये हो गया कॉस एक्स बराबर जीरो। ये एक्स का वैल्यू क्या आ गया पाई बाय टू, ये भी बराबर नहीं है, ये भी रिजेक्ट, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। और केस जीरो से टू पाई तक घूम जाएंगे, जनरल वैल्यू वही होता है। अड़ेगा एक्स का वैल्यू पाई से लेकर टू पाई के बीच पूरे इंटरवल में साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है माइनस वन, और ये वैल्यू कॉस एक्स। एक्स का वैल्यू क्या मिला पाई, कॉस एक्स का वैल्यू 180 पर पाई होता है, एक्स का वैल्यू पाई, ये भी इसमें नहीं है। सो रिजेक्ट, यानी एक्स में पूरे जीरो से टू पाई के बीच में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है। सो नो एनी पॉसिबल आंसर, ऑल वैल्यू आर रिजेक्टेड, नो एनी पॉसिबल आंसर। तो देखो टॉपिक बहुत अच्छा लगा, लंबा क्लास था तब भी बहुत अच्छा टॉपिक के रूप में है, मजेदार रूप में रहा होगा। ये आपका पूरा कैलकुलस है, मतलब चार महीना तक लगातार काम इन्वॉल्व होता रहेगा, और मजा भी है, अच्छा भी लगेगा, समझ भी डेवलप अगर हो गया तो बहुत ही आराम से बनता है क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो इससे पीछे छोड़ाएगा, पूरा का पूरा कैलकुलस में इन्वॉल्व है। उम्मीद है आपको मजा भी आया होगा, अच्छा भी लगा, प्रैक्टिस भी आप करेंगे। सो आज के इतने काफी, थैंक यू, बाय बाय।